व्यूअर्स, ये तैयारियां हमारे नेक्स्ट वीलॉग की जो कि कुंडमलीर के बारे में है, और आज हमने ये प्लान किया है कि हम पूरा एक दिन कुंडमलीर में गुजारेंगे। कुंडमलीर का जिक्र हम पहले अपने गवादर वाले वीलॉग में कर चुके हैं। गवादर जाते हुए मकरान कोस्टल हाईवे पे एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है कुंडमलीर। ये हिंगूल पार्क का पूरा वो इलाका है जिसमें प्रिंसेस ऑफ होप है और पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन साहिल समंदर। तो आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हम कुंडमलीर की तरफ अपने सफर को इख्तियार कर चुके हैं और हैरतअंगेज बात यह है कि सदर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। आज सैटरडे है और तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ये वही सदर है जहां से गुजरने के लिए आपको घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यहां ट्रैफिक नाम की भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोरोना का सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है। ऑल्दो कि ये सेमी लॉकडाउन है, थोड़ा सा ईज है इसमें। सैटरडे और संडे मार्केट्स जो हैं वो बंद रहती हैं, बाकी के 5 दिन जो है वो कोरोना छुट्टी पे रहता है, आप जो भी समझ लें। तो खैर, ये सूरत हाल है और इसलिए हम बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से सदर को तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं और इससे आगे जो हमारा सफ़र है वो कुंडमलीर की तरफ जारी उसारी रहेगा, और कराची से तकरीबन 3 घंटे में हम कुंडमलीर पहुंच जाएंगे। प्रिंसेस ऑफ होप, जी हाँ, ये वो रेप्लिका है एक्चुअल प्रिंसेस ऑफ होप का जो कि कोस्टल हाईवे पे पाकिस्तान का एक मशहूर मॉन्यूमेंट है। ये निशानदेही करता है कि यहाँ से मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होता है, यानी कराची खुजदार रोड पर हब के बाद जैसे ही आप विंदर क्रॉस करते हैं आपको ये रेप्लिका मिलता है, ये मॉन्यूमेंट मिलता है जहाँ से आप मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ टर्न कर जाते हैं। और ये प्रिंसेस ऑफ होप और आपको ये मैसेज भी देती है कि आपने होपफुल रहना है और आजकल के इस डिप्रेस्ड माहौल में आपने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बहरहाल, आपको एंटरटेन करने के लिए हमने कुछ और इंतजाम भी किया हुआ है, हमारे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा। मकरान कोस्टल हाईवे इब्तिदा में लक्को दक सहरा का सीना चीरती हुई एक ना खत्म होने वाली सड़क मालूम होती है। दूर दूर तक ना कोई आबादी, ना होटल और ना ही कोई पेट्रोल पंप। पूरे 2.5 घंटे बाद जो ही हमें कोई पंप नजर आया, हमने पेट्रोल डलवाने में ही आफियत जानी, क्योंकि फ्यूल गेज अंग्रेजी के ई के साथ काफी देर से मुआशका लड़ा रही थी, यानी हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता जा रहा था। सहरा और खुश्क पहाड़ों की ओट से जैसे ही समंदर नजर आता है आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। समंदर के किनारे पहुंचने के जुनून में हमारे ड्राइवर साहब ने पहले ही गाड़ी ऑफ रोड कर दी और वो समंदर की रेत में बुरे तरीके से फंस गई। समंदर की रेत थर की रेत से जरा मुख्तलिफ होती है, हमारे ड्राइवर साहब को भी आज पहली दफा पता चला और हमें भी। व्यूअर्स, समंदर हर एक को फैसिनेट करता है, अपनी तरफ खींचता है, बुलाता है, और जब साहिल समंदर इतना खूबसूरत हो तो किसका दिल करेगा यहाँ से जाने को। और हरगिज ये क्लिफ्टन का साहिल नहीं है, ये बलूचिस्तान का मशहूर कुंडमलीर पार्क है और ये इसका साहिल समंदर है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंजर है। मेरी बैग पे कुंडमलीर के पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के दामन को छूती ये समंदर की लहरें। समंदर के पानी का जो तासुर है वो कराची के क्लिफ्टन की तरह का नहीं है, गदला मैला सा नहीं है, बल्कि ग्रीनिश सा कलर महसूस होता है, जैसे आप मिडिल ईस्ट, दुबई वगैरह के साहिल देखते हैं। यहाँ साफ सुथरा सा एनवायरनमेंट है। कराची से ज़रा फासले पर होने की वजह से लोग यहाँ कम आते हैं और यही वजह है कि यहाँ आपको पोल्यूशन भी कम नज़र आ रही है। इंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, और जबकि गर्मियों का मौसम हो और आपको समंदर के किनारे जाना नसीब हो जाए तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। आप देख रहे हैं कि कितनी बिफरी हुई ये समंदर की मौजें हैं जो आके हमसे भी टकरा रही हैं और साहिल से भी टकरा रही हैं। कुंडमलीर
आप जरूर आए, अपनी फैमिली को लेकर आए। बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है और टाइम स्पेंड करने के लिए बेहतरीन सियाहती मुकाम है। कुंडमलीर साहिल के साथ एक अजीमुशान पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जिसे हिंगूल नेशनल पार्क कहा जाता है। 1650 यानी कि 1650 स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित इस पहाड़ी सिलसिले का लैंडस्केप बड़ा ही ड्रामेटिक है और आपको यूं लगता है कि जैसे आप एरिजोना के ग्रैंड कैनियन पार्क में पहुंच गए हैं। जबकि यहाँ बास पहाड़ों की चट्टाने ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर आपको आसारे कदीमा का सगुमान होता है और इन्हीं में इस इलाके का मशहूर तरीन मॉन्यूमेंट यानी प्रिंसेस ऑफ होप भी है। और हकीकतन देखने में यह दूर से एक शहजादी का मुजस्मा लगता है जो बड़े पुरवकार अंदाज में इन पहाड़ों के दरमियान खड़ी है। हिंगूल पार्क से गुजरती मकरान कोस्टल हाईवे को देखकर इस रोड के बनाने वाले इंजीनियर्स और मेहनतकश को दाद देने को दिल चाहता है जिन्होंने इतने मुश्किल पहाड़ी सिलसिले को काटकर ये रोड बनाई है। हिंगूल पार्क के इस पहाड़ी सिलसिले का सबसे बुलंद मुकाम बुजी टॉप कहलाता है जिसको क्रॉस करने के बाद आप और माड़ा पहुंच जाते हैं। इस सारे टूर से वापसी पर इस इलाके के मनाजिर कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहे और हमने सोचा कि मौका मिला तो इस इलाके में कोई स्केप व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।